Hey guys, welcome to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अमेजिंग नाश्ते की रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत अमेजिंग है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन रखा है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है, ज्यादा गरम नहीं करना है हमें। अब इसमें हम 3 बड़ा चम्मच आटा डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए आटा हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देते हैं। इस तरह से सारे लम्स हमें हटा देना है। देखिए गाइस, ये हमारा गरम हो गया है, हल्के हल्के इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते हैं। काली मिर्च पाउडर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, एक चम्मच गार्लिक पेस्ट, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा नमक, तो गाइस अब ये रेडी है। अब इसको हम उतार के करते हैं साइड में। अब ठंडा हो गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब इसमें हम अपने वेजिटेबल डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर कट किया है, बारीक कटी शिमला मिर्च और बारीक कटी प्याज। अब इसे हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब इसको हम चेक करके देख सकते हैं नमक कैसा है। ठीक है गाइस, अब ये रेडी है, इसको हम इधर रख देते हैं। तो यहाँ हम डोसा का तवा ले रहे हैं। आप पैन में, तवे में, चाहे जिसमें बनाएं आराम से बन जाएगा। तवे का फ्लेम हम लो पे किए हैं। हम बना लेते हैं पहले रोटी। तो डो मैंने पहले से लगा रखा है। डो हमारा नॉर्मल जो रोटी रोज डेली की बनती है सेम वैसा ही है। ये रोटी हमारी ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। अब इसको हम डाल देंगे तवे पे और तवे का फ्लेम हमने तेज कर रखा है। इस तरह से हमें दबा दबा के अच्छे से चारों तरफ रोटी को सेकना है। Thank you.
इसमें हम देसी घी डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और अब गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है क्योंकि रोटी हमारी ऑलरेडी पक चुकी है। में हम चीज डाल दे रहे हैं। तो अब इस रोटी को हम इसके ऊपर रख देंगे, इसमें भी हम देसी घी डाल देंगे अच्छे से। देखो इतना अच्छा कलर हमारे पराठों में आ गया है, वो तो पूछिए ही मत, बहुत अमेजिंग है। ऐसे हम इसको चारों तरफ से दबा दबा के सेकेंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ ये नीचे वाली रोटी पक जाए। तो आप इसे जरूर बनाइए और एंजॉय करिए। तो आपको ये डिश कैसा लगा कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा। अब गैस का फ्लेम हम करते हैं बंद। देखिए कितना प्यारा कितना अच्छा कलर आया है हमारे पराठे का। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी चीजी और क्रीमी बना है ये पराठा, तो जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। रिव्यूज कमेंट्स में देना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो आपको अंदर से भी हम दिखा देते हैं। अमेजिंग टेस्ट है गाइस, तो प्लीज आप इसे जरूर ट्राई करिए, आपको ये डिश बहुत बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और न्यू रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।